हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब किचन का काम हो गया है पूरा कंप्लीट। और देखिए किचन हो गई है पूरी साफ। इस दूध की थाली को फ्रिज में रख, तो ये सुबह भगवान जी के भोग के लिए दूध आता है हमारे। तो देखिए, हाँ जी फ्रेंड्स, तो ऐसी साफ सुथरी किचन को देख के बिल्कुल ना मन नहीं करता कि इस किचन को गंदा करे और कुछ खाने वाना बनाए। तो बस ऐसे ही साफ सुथरा अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है ना साफ किचन। खाना बनाना पड़ता है, गंदा हो ही जाता है। और रात को इतना अच्छा साफ रहता है ना, सुबह उठ के आते तो मन करता है, फ्रेश फ्रेश सा फील होता है। हाँ जी, तो ये देखिए, और अब बस करते हैं सोने की तैयारी। दुबू पढ़ ले बेटा थोड़ी बहुत देर, और ये दूध वगैरह फ्रिज में रख देते हैं फ्रेंड्स। तो बज रहे हैं फ्रेंड्स रात के 9:15 बज रहे हैं, और बाहर देखिए कितनी चहल पहल हो रही है मार्केट में। चलिए अब सोने की करते तैयारी, मतलब कि काम तो हमारा निपट जाता है ना जल्दी। आज तो फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया, वरना काम हम जल्दी निपटा लेते हैं। और अब तो जैसे जैसे सर्दी आएंगी ना, तो मेरा काम तो बहुत ही जल्दी निपट जाएगा 6:30 बजे तक। बंद कर देते हैं सारी लाइट्स वगैरह, मंदिर की लाइट भी बंद कर देते हैं। भगवान जी को भी सुला देते हैं, और सीढ़ियों को भी बंद कराती हूँ मैं लाइट। और बस एक हॉल की लाइट जलाकर सोते हैं। अब क्या कर रहा है बच्चे, क्यों? चलो बंद करो, अब सोने की तैयारी करो, चलो पढ़ लो थोड़ी देर। हाँ, कहाँ आग लगाएगा तू, किचन को क्यों गंदा कर रहे बच्चे? दो, चलो लेके चलो इसको। और हमारे यहाँ मच्छर इतने हो रहे ना, चलो आओ। और घर की हालत देखिए कैसी कर रखी है उन्होंने, और अपने रूम की भी हालत इन्होंने इतनी गंदी कर रखी है। देखिए इतना सुबह कितना बढ़िया सुंदर सा साफ करा था। देखो बाथरूम का गेट बंद कर, वहां से आ रहे हैं मच्छर। बड़े बेटे का तो दिखा दो, बड़े बेटे का दिखा दिया, बड़े बेटे का ये देखो, मेरा हमारा बड़ा बेटा प्यारा लाग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हो आप, आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज थर्सडे मॉर्निंग का, और कार्तिक जा चुका है स्कूल, और डुग्गू भी हो गया रेडी। डुग्गू वो बैठा देखो नाश्ता वाश्ता करके, और आज नाश्ते में बनाया मैंने मैक्रोनी, ये दिखाती हूँ। हाँ जी ये देखिए नाश्ते में बनी है मैक्रोनी, और ये आलू मैंने भिगो दिए, अब ना मिट्टी वाले आलू आ रहे हैं, तो मैं बनाऊंगी आलू गाजर की सब्जी। और ये गाजर निकाल दिया, और ये हस्बैंड जी की बन रही है चाय और ब्रेड जी। बस उन्हीं को नाश्ता देने जा रही हूँ शॉप पे। और सुनाइए फ्रेंड्स, मेरे तो कामों की शुरुआत भी ऐसी ही होती है सुबह सुबह ही। तो जी बस वही, मैं उठी थी 5:30 बजे, और 5:30 बजे से उठे उठे अब बज रहे हैं 8। तो मैंने तो चाय वाय ले लिया, और अब लगूंगी घर के कामों में। और आज ना मेरे थोड़े से सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज से, अभी मैंने ना एक गोली खाई है, फिर लगूंगी मैं काम पे। पता नहीं क्या हो रहा है, एक सिर में ना एक अजीब सी ना हेडेक सी हो रही है, यहाँ ना सुई सी चुभ रही है मेरे, और आज तो थोड़ी थोड़ी सी ठंड भी लग रही है मेरे को। मौसम हो गया ना हल्का हल्का सा चेंज, तो उसी वजह से लग रही है। तो आज निपटाऊंगी मैं जल्दी जल्दी काम, आज मैं अपने आप से टास्क लूंगी 2 घंटे में पूरा घर साफ करना है ना। बस अब लगूंगी मैं, फिर देखती हूँ कितने बजे तक मेरा काम कंप्लीट होता है, और जल्दी जल्दी निपटाने की सोचती हूँ। पहले दे आती हूँ पति देर को नाश्ता। देखो मैं जा रही हूँ नीचे, ठीक है? टिफिन रख दिया तेरा, बैग में डाल लियो। तो आज ना ब्रेड बहुत ज्यादा छोटी छोटी सी आई है, देखो कितनी सी ब्रेड है, ऐसे लग रही है मैं खेल कर रही हूँ मैं ब्रेड का।
हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब बच्चे चले गए हैं स्कूल और इनको भी मैं चाय नाश्ता करवा दिया है। मैंने भी चाय ले ली थी और थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा था, तो बस थोड़ी सी एक ना मैंने गोली खा ली थी, तो बस गोली खाने के बाद फिर लग गई काम में। तो क्या होता है कि हाउसवाइफ का अगर सिर में दर्द हो रहा हो, पैर में दर्द हो रहा हो, कहीं भी दर्द हो रहा हो, तो वो मैटर नहीं करता कि हाउसवाइफ का क्या होता है कि अगर वो जितनी मर्जी बीमार भी पड़ी है ना, तब भी वो उठ के काम में लगेगी। और बस यही है, तो बस यहाँ पे ही आ गए थे, कुछ बोल रहे थे मेरे को, तो मैं बातें भी कर रही थी और काम भी कर रही थी। और किचन देखिए पूरा फैला हुआ है, और बस जल्दी जल्दी से आटे का डो रेडी कर लूँगी। और आलू गाजर की सब्जी मैंने काट ली थी, वो भी मैंने बनने रख दी है। सिंपल सी रेसिपी है आलू गाजर की, बस चार टमाटर मैंने पीस लिए थे, अदरक हरी मिर्च वगैरह डाल के, और मस्टर्ड वगैरह डाल दिया था, जीरा हींग डाल के जैसे कि बनाते हैं। और बस मैं कुकर में दो से तीन सीटी लगा के हल्की सी मंदी कर दी थी। और क्या होता है, थोड़ा बहुत पानी होगा ना, वो मैं खोल के उसको हम सुखा लेंगे। तो बस यहाँ पे ये सब काम कर लिए हैं, और अब रह गया मेरा क्लीनिंग का काम। तो आई थिंक 2 घंटे तो नहीं हुए थे, हाँ 3 घंटे में ज़रूर मेरा काम निपटा था। तो जब मैं अगर मन में होती हूँ ना, तो जल्दी जल्दी भी काम निपटाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है फ्रेंड्स। और बस देखिए सारा किचन का जो भी डिपार्टमेंट है, ये पूरा क्लीन करने के बाद फिर लगूंगे क्लीनिंग में। तो कभी कभी पता है क्या होता है कि बहुत बार मन हमारा नहीं करता, तबीयत सही नहीं होती, मगर फिर भी वही रहता है ना कि करना तो खुद से ही है, तो फिर यही दिल करता है कि क्यों ही लेट करा जाए, उठिए और काम करिए। तो इस बीच में अगर मेरा मन नहीं करता ना, कई बार मैं थोड़ी देर 5 मिनट का रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं काम पर लग जाती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं, और अब रह गया है क्लीनिंग का काम। और कपड़े मैंने धो के डाल दिए थे, तो बस तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने काम करा ही है, क्योंकि कौन करेगा अपने मरे बिना। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ ये वाला पोर्शन साफ़ करने के लिए। तो आज ना थोड़ी सी मैंने मेहंदी लगाई थी, वो कल लगाई थी ना, थोड़ी बची हुई थी, तो फिर वही मैंने सिर में लगा ली थी, क्योंकि 2 बार मेहंदी लगाने से ना थोड़ा सा कलर सही आ जाता है। और यहाँ पे ये सारे रूम्स वगैरह साफ़ कर दिए। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर फ्रेंड्स, अगर थोड़ा बहुत भी ये मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और मिलेंगे कल फिर एक और नए दिन के साथ, नई शुरुआत। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो जी, यहाँ पर हो गई है मेरी पूरी क्लीनिंग, और बस यहाँ एंड करूँगी मैं अपने इस वाले वीडियो का, और काम तो पूरे दिन चलेगा बस। तो जी, बाय बाय फ्रेंड्स। और जिस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। और